इस वक्त जगाधरी विधानसभा के देवधर गांव में पहुंचे और देखिए किस तरीके से अभी से कुछ देर बाद यहां कांग्रेस के बड़े नेता सचिन पायलट का आना है और ये देखिए किस तरीके से उनकी स्कॉट आ चुके हैं अंदर और कांग्रेस के प्रत्याशी अकरम खान भी यहां से जा रहे हैं और देखिए किस तरीके से काफिला जो है सचिन पायलट का काफिला और किस तरीके से देखिए फूल मालाओं से उनका स्वागत किया जा रहा है। क्रेन में यहाँ पर लोग उनके स्वागत के लिए आए हुए हैं और काफी हुजूम देखिए किस तरीके से काफी हुजूम जो है सचिन पायलट के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं। काफी तादाद में यहाँ पर लोग पहुंचे हैं। सचिन पायलट के आने से इसमें आखिर कितना फर्क पड़ेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि भाजपा से भी यहाँ पर तमाम बड़े नेता जो है यहाँ पर पहुंचे थे और लेकिन आज कांग्रेस के जो है बड़े नेता सचिन पायलट यहाँ पहुंचे हैं। जी भाई साहब, पायलट साहब आगे क्या रहेगा? अब बहुत अच्छा माहौल रहेगा सर, बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा, जैसे आपने देख रहा है कि बहुत ही बहुत अच्छा माहौल रहेगा। पायलट साहब आ गए, जरा सुनो देखो क्या कहेंगे अपने। अच्छा, और देखे किस तरीके से पायलट साहब का जो है स्वागत हो रहा है। सचिन पायलट साहब जो है, जी भाई साहब पायलट साहब आगे आज क्या माहौल रहेगा? माहौल पूरा कांग्रेस के पक्ष में है। अच्छा, चलते रहिए। कांग्रेस इधर, भाजपा से भी है अमित शाह, योगी जी, तमाम बड़े नेता आ गए। कोई आओ जी, आपकी बात तो कांग्रेस 70 पार कांग्रेस 70 पार बिल्कुल। क्या समीकरण लगा रहे हो जीत का? अकरम साहब की जीत का समीकरण क्या लग रहा है? अकरम खान तो एक तरफा मुकाबला जीत चुके हैं, देख ही रहे आप कितनी भीड़ हो रही है, बहुत ज्यादा 30-35 हजार वोटों से। कितनी से? 30-35 हजार से। विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस पार्टी के हम सब के उम्मीदवार अकरम जी, मंच पर उपस्थित सभी नेतागण, समय बहुत कम है, मैं आप सब लोगों से क्षमा चाहता हूं, मैं बहुत देर से आया हूं और सरसावा एयरफोर्स स्टेशन पर हमने लैंड किया और मुझे वापस जाना पड़ेगा नहीं क्योंकि सूर्यास्त हो जाएगा। लेकिन मैं आप लोगों से दो चार बातें करना चाहता हूं। साथियों, आप जानते हो कि दिन बहुत कम है, कल चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, 5 तारीख को वोट पड़ेंगे और हरियाणा में एक नई सरकार का चुनाव आपको करना है। 10 साल से प्रदेश में जो सरकार है वो भी जनता ने बनाई और हम सब ने देखा है कि 10 साल से केंद्र सरकार क्या कर रही है और प्रदेश की सरकार क्या कर रही है। और मैं पूरे हरियाणा में घूमा हूँ, मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आने वाले समय में बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। ये बीजेपी के नेता भाषण बहुत दे रहे होंगे, बड़े बड़े नेता आ रहे होंगे, लेकिन धरातल पर जो काश्तकार है, किसान है, गरीब है, नौजवान है, अगड़ा पिछड़ा, दलित, बहुसंख्यक, अल्पसंख्यक, सब लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार बदलाव की हवा को बल देना है। पंजे के निशान पर मोहर लगाकर भारी बहुमत से यहाँ पर सरकार कांग्रेस पार्टी की बनने जा रही है। आप सब भी देखते होंगे, अखबार पढ़ते हो, टेलीविजन देखते हो, हवा तो चल रही है कांग्रेस पार्टी की, चल रही है कि नहीं चल रही है, सब समझते हैं। अब सवाल यह है कि जब सरकार कांग्रेस पार्टी की बनने जा रही है, जब विकास आपका सरकार कांग्रेस पार्टी की कराएगी, तो आपका नुमाइंदा अगर कांग्रेस पार्टी का होगा तो हमारे हलके में, हमारे विधानसभा क्षेत्र में हम